हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमीज कुकिंग। अगर आप फ्रेंच फ्राइज एक ही तरह की खा खा कर हो गए ऊपर, तो चलिए एक अलग तरह की फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करते हैं। उससे भी टेस्टी और उससे भी क्रिस्पी बनेगा, ये गारंटी देती हूँ। इससे ज़्यादा टेस्टी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप आराम से अपने घर में इसे बना भी सकते हो। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ उबले हुए आलू और इसे हम अच्छे से स्मैश कर लेते हैं। और उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। और इसे हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि आलू हमारा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सच मैंने इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब हमारा आलू का एक स्मूथ टेक्सचर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 या 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन को डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का टेक्सचर भी देख सकते हो। अब हम लेंगे एक इस तरह की प्लेट और इसमें हम डाल देते हैं बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आप एक प्लेट में सिंपली ऑयल ग्रीस करके भी इसे लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम इस पेपर के ऊपर चारों तरफ से आलू को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, और इसे हम एक समान की तरफ ले आएंगे, जैसे कि इसका थिकनेस चारों तरफ एक ही टेक्सचर की रही, एक ही समान की। अब हम चारों तरफ से इसे अच्छे से साइज कर लेते हैं। ये ना रहेगा ज़्यादा पतला, ना रहेगा ज़्यादा मोटा, बहुत अच्छे से हम इसे साइज करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम इस मिक्सचर को रख देते हैं फ्रिज में आधा घंटे के लिए, जस्ट सेट होने के लिए। उसके बाद आधा घंटे के बाद अब हम इसे कर देंगे कुछ इस तरह से स्ट्राइप स्ट्राइप में कट। आप देख सकते हो मैं जिस तरह से कट कर रही हूँ ना, उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, इसका थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर आएगा, जो कि हमें कट करने में और इसे फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब आप देख सकते हो मैं आपको एक कट करके भी दिखा रही हूँ। अब हम लेंगे कढ़ाई में तेल और इसे हम अच्छे से गरम कर देंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही सारे फ्रेंच फ्राइज को हम फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि सुनहरा कलर ना आ जाए और क्रिस्पी ना बन जाए। अब आप देख सकते हो हमारा फ्राइज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर इसे स्टर करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। इसी तरह से ही हम सारे फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। एक बार तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, देखना सभी को पसंद आने वाला ये चीज़। हर रोज़ एक ही तरह का क्यों खाना है यार, तो कभी कभी तो कुछ अलग सा ट्राई करना था बनता है। हर रोज़ तो आप फ्रेंच फ्राइज खाते ही रहते हो, पर आज हम बॉइल्ड पटेटो की फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। अब आपका फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी होकर आ चुका है। अब आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है। मैं एक आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। अब आप इसे गर्मा गर्म केचप मेयोनीज किसी के साथ दिखाए वो आपकी मर्जी। अब आप इसे एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।